इंसीडेंट होया जिदे विच बहुत मदभागी घटनावां हुईयां उहदे संदर्भ च अज लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी जो साडा इक ह्यूमन राइट्स लॉयर्स दा मौका होम सकत्तर सैकटरी होम अज असीं रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं ये सारे इंसीडेंट के संबंध च भी इहदा इक तां इहदी प्रॉपर इनवैसटीगेशन होनी चाहीदी है भी ये किवें वापरिया ते क्यों वापरिया क्योंकि असीं बहुत समय तो देखते आ रहे हैं भी कुछ अखौती जिहड़े लीडर बने हुए हैं शिवसेना के जो एक पंजाब के उपर बहुत वड्डा बोझ भी है 700 के करीब उन्होंने पुलिस मुलाजम मिले हुए हैं वो समय समय पर कुछ ऐसिया गल्लां करते हैं सिखां दे खिलाफ बोलते हैं जबकि पंजाब दे विच खालिस्तान की कोई गल नहीं करता कोई धिर नूं हले उहदी नुमाइंदगी नहीं कर रही लेकिन शिवसेना वाले सिर्फ अपना सुरक्षा लेने वास्ते अपने दो नंबर के कामों नूं ढकण वास्ते वो बार बार सिखां नूं अपना प्रवोक करते हैं ताकि उहदा कोई रिएक्शन होवे ते जिहड़ा कि पटियाले सानूं देखण नूं मिलिया बलजिंदर सिंह परवाना एक एसएसपी नूं रिप्रजेंटेशन दिंदा कि शिवसेना वाले 15 दिन तो लोगों नूं भड़का रहे हैं ते पटियाले दे विच उन्होंने कोई उतरे फूकण का प्रोग्राम रखा भी उन्होंने रोकिया जाए लेकिन सरकार पूरी तरह फेल होंदी है इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल होंदा कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिता जाता उत्थे कोई दफा 144 लाई जाती सिंगले हरी सिंगले नूं प्रिवेंटिव लई उन्हां नूं रोकिया नहीं जाता फड़िया नहीं जाता तो एक बहुत वड्डा इंसीडेंट हो जाता तो उहदा सारे का सारा कड़ा सिख जथेबंदियां दे उत्ते बन दिता जाता ते 26-27 नौजवानों के उत्ते झूठे परचे दर्ज कर दिते जाते ते अज असी इस संदर्भ च सैकटरी होम साहब नूं मिले सी ते उहनां नूं असी एक रिप्रजेंटेशन दित्ती है भी इह सारे इंसीडेंट की जिहड़ी इनवैसटीगेशन है इंडिपेंडेंटली होनी चाहीदी किसी तों ते जिहड़े भी बंदे इहदे वास्ते जिम्मेवार हैं उन्हां नूं पिनपॉइंट करके उन्हां नूं उन्हां दे खिलाफ बनदी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि देखिया होना कि थोड़े ही कुछ वीडियोज सोशल मीडिया से फ्लोट कर रही हैं कि एक साध के रूप से कपड़े पा के बंदा कृपान लेके एक नौजवान के उत्ते हमला करता है वो डंडे नाल अपने आप नूं सेव करता है तो परचा सेव करने वाले हो जाता है जिहड़ा मुंडा अपने आप नूं सेव कर रहा डंडे इस तो पता लगता भी एक तरफ तरफा कार्रवाई किवें पुलिस कर रही है या सरकार कर रही है इहदे इशारियां ते कर रही है तो क्यों कर रही ते असीं जिहड़ी है इन्हां ने गिरफ्तारियां पाईयां नौजवानों दियां असीं कंडेम करदे आं नूं ते इहदी एक फेयर इनकुआइरी दी मंग करदे आं ताकि जिहड़ा बार बार सिखां नूं बदनाम किया जा रहा है बार बार सिखां नूं टारगेट किया जा रहा है पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो इत्थे इन्नी वोलेटाइल जिहड़ी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है क्यों बार बार इन्हू वोलेटाइल किया जा रहा है स्टेट को सिर्फ सिखां नूं टारगेट करके क्या इहदे विच इलैक्शनां दा कोई मुद्दा है भी जे नाल दीआं स्टेटां 'च इलैक्शन आ गई तो इत्थे मुद्दे बना के लोगों के भड़काहट पैदा करो तो इस करके अज असीं सैकटरी होम नूं रिप्रजेंटेशन दित्ती है भी सारे इंसीडेंट की प्रॉपरली किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी तो इनक्वायरी करवाई जाए इनवैसटीगेशन करवाई जाए तो जिहड़े बेकसूर है उन्होंने छड्डिया जाए तो जिहड़े सिख नौजवानों के खिलाफ परचे दर्ज हुए हैं उन्होंने कैंसल किया देखो जी ये हरीश सिंगला तो तुम देख ही लिया एक सोनी है गुरदासपुर तो संजीव कनौली है उस तो बाद निशांत शर्मा है
इन्हों ने अपनी अपन जथेबंदियां बनाई हुई हैं जिन्हों का पंजाब दे विच कोई आधार नहीं है। लेकिन हरेक बंदे नू 10 तो 20 पुलिस मुलाजम एज ए सिक्योरिटी मिले हुए हैं। लुधियाने दे विचो एक मंड बैठा है, अमन अरोड़ा बैठा है, उन्हां दियां तुसी वीडियोज देखो किवें सिखां नू गाणा करदे। अमन अरोड़ा नहीं, अमित अरोड़ा। हाँ, अमित अरोड़ा। तो इस करके पहली गल तो इन्हों की सिक्योरिटीज विड्रॉ होनी चाहिए। उस तो बाद जे सिक्योरिटी विड्रॉल्स होंगे फिर अपना देश भगति का जोड़ा ड्रामा करते हैं ये करना कि पुलिस फोर्सेज के थले सुरक्षा के थले लोगों गाला कटो तो सरकार उन्होंने प्रोटेक्ट करे तो जे सिख उन्होंने रिएक्शन करते हैं तो उन्होंने उत्ते परचे दे। ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੱਢੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 70-80 ਹੈ। ਕਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ 2-4 ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, BJP ਹੈ, CPM ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ। ਓਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫੈਂਸ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ